सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा, और अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, खासतौर पर BEd के एग्जाम। बच्चे बहुत दिनों से पूछ रहे थे इस चीज़ को लेकर के, सेमेस्टर के एग्जाम्स और आप लोगों के रिजल्ट्स, BA BSc BCOM के जो रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के, MA MSc MCOM के रिजल्ट्स को लेकर के। तो ये छोटा ही वीडियो बनाऊंगा मैं, मुश्किल से 2-3-4 मिनट का, और उसमें मैं सारी बातें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप लोग खुद जो है, आप लोगों की ये थोड़ी सी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोग अपने अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि तभी जा करके बात करने का फायदा होता है जब बच्चे उस मैसेज को अपने साथियों के साथ शेयर करें या साझा करें। देखिए, नंबर वन चीज ये है कि अभी रिसेंटली जो है सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे, जितने भी इवन नंबर हैं, 2, 4, 6, 8, 10 नंबर का जो सेमेस्टर है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 11 तारीख जो है हार्ड कॉपी जमा कराने की आखिरी तिथि है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 22 तारीख के बाद कभी भी आप लोगों के पेपर शुरू हो सकते हैं। कुछ एक जो है सेमेस्टर के जो पेपर है वो शायद 15-16 के आसपास भी शुरू हो सकते हैं। अभी मुझे एग्जैक्टली इनको मैं डेट फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। BEd के जो पेपर हैं वो निश्चित तौर पर जुलाई के आखिरी सप्ताह में शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। ये सारे संभावनाओं का खेल है, मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई चीज रिवील कर रहा हूँ, लेकिन ये निश्चित है कि आप लोगों के पेपर, अब चूंकि टाइम हो गया है तो पेपर इसी महीने शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यूस जारी रखें। और एक चीज और मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए, BEd की भी बात हो गई, सेमेस्टर की भी बात हो गई, रिजल्ट सेक्शन पे आते हैं। तो BA BSc BCOM, तो BCOM का रिजल्ट ऑलमोस्ट जारी किया जा चुका है। अब जो है इस हफ्ते संभवतः BSc का परिणाम आने की संभावना है, तो BA का जो परिणाम है वो शायद 15 तारीख तक जा सकता है, और हो सकता है कि इससे भी थोड़ा सा एक आध दिन और एक्स्ट्रा लग जाए। BEd वाले बच्चे परेशान नहीं हो, जो डेट है BEd की काउंसलिंग की, वो जब तक परिणाम नहीं आ जाता आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, ये डेट खिसकती रहेंगी। ये बहुत श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि GGTU ग्रुप, जो गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी है बांसवाड़ा वाली, जिसने PTT कराई है, तो उनको पता नहीं है। उनको पता है कि भाई कोटा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया। अब जब रिजल्ट आया ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है। ये बहुत सामान्य तरीके की प्रोसेस है, इसको लेकर के किसी को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता मेरे सामने नहीं है, और परिणाम आप लोगों के आ जाएंगे। BSc सेकेंड ईयर की बात करें हम लोग, तो शायद 15 तारीख तक। फर्स्ट ईयर की बात करें BSc की, तो फर्स्ट ईयर की तो मेरे सामने फिर वो 20-25 जुलाई तक। और BA की बात करें तो BA जो है फाइनल जो है मुझे लगता है 15-20 के बीच में, और 20-30 के बीच में जो है सेकेंड ईयर। और फर्स्ट ईयर मुझे लगता है कि या तो जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक जा सकता है फर्स्ट ईयर का परिणाम, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजों में अभी भी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो बिना प्रैक्टिकल के हुए आप लोगों के परिणाम जारी किया जाना तो संभव है ही नहीं, ये आप सब जानते हैं। देखो, कॉलेजों से रिलेटेड यदि आपको रेगुलर अपडेट चाहिए, आधिकारिक तौर पर चाहिए, कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ चाहिए, तो आप लोग चैनल के साथ पहले भी सालों से जुड़ते रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सपोर्ट को, इस प्रेम को, इस स्नेह को मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि भले ही पिछले कुछ दिनों में मैं आप लोगों के साथ बहुत वीडियो साझा नहीं कर पाया हूँ, आगामी कुछ दिनों में हम लोग अपने कन्वर्सेशन को, अपने संवाद को, अपनी बातों को और ज़्यादा तरीके से, इफेक्टिव तरीके से साझा करने की कोशिश करेंगे। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच, और खुश रहो, मस्त रहो, अपने माता पिता की सेवा करो बेटा, उनकी आज्ञा का पालन करो, और ऐसा कुछ ना करो जो देश की, परिवार की, समाज की एक प्रकार से प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए। थैंक यू सो मच।